हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक डिज़ाइन पैटर्न, ये है मेरे यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। देखिए ये आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। देखिए कितना थिक है, कितना गफ है, देखिए है ना ये बिल्कुल गफ। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे चेन ले ली है, आप कोई भी नंबर लीजिए, और नंबर लीजिए, इवन नंबर लीजिए, कुछ भी नंबर लीजिए, बच्चों का जितना साइज़ हो, बच्चे का, बड़े का, किसी का भी जो साइज़ हो उसके हिसाब से आप उस साइज़ को सेंटीमीटर में नाप कर या इंचेस में नाप कर उतने ही इंच आप चेन बना लीजिए और फिर उसको बनाना शुरू करिए। देखिए बनाने के लिए सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी कि धागा क्रोशिया धागे में डालकर और दो फंदों का एक कर देंगे हम। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, हमारी जो पहला रो होगा वो सिंगल क्रोशिया का होगा, पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया बनाकर। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है, जहाँ मैं आपको सिर्फ एक सैम्पल दिखा रही हूँ। तो मैंने कुछ चेन ले ली है, से 20 चेन्स ले ली है मैंने, और उससे मैं आपको ये डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको सबने सिंगल क्रोशिया करनी है। जब फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम टर्न करके एक चेन बना लेंगे, और उसके बाद देखिए ध्यान से, हमने पहले वाले होल में धागा डाला, फिर दूसरे होल में धागा डाला, दो धागे हो गए, अब ये तीनों का एक कर दिया। देखिए फिर जो हमने दूसरे वाले में डाला था, फिर तीसरे में डाला, धागा आगे कर लिया, तीन फंदे हो गए, तीन का एक कर दिया, फिर तीसरे में और चौथे में, यानी कि हर एक उसमें हम दो बार क्रोशिया डालकर धागा लेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये हमारा कहलाता है हाफ डबल क्रोशिया, तीन फंदों का एक करना हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। ये देखिए, ये हमने दो बार लिया अलग अलग उसमें, और तीन का एक कर दिया पहले वाले में, फिर अगले वाले में हमने लिया और तीनों फंदों का एक कर दिया। देखिए इस तरह से हम ये रो पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये एक आइडियल है, मतलब ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, वो तो आपने देखा ही, साथ ही साथ ये गफ बनता है, मतलब मोटा बनता है, थिक बनता है। तो बच्चों के स्वेटर के लिए, हाफ स्वेटर्स के लिए, मफलर के लिए ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। आप दो कलर लीजिए, तीन कलर लीजिए, हर जितने कलर लेते जाएंगे उतना सुंदर लगता चला जाएगा। ये बस ये है, कलर को थोड़ा सा मैच करके हमें लेना होगा। यहाँ मैंने दो कलर यूज़ करे हैं, कंट्रास्ट दो कलर यूज़ करे हैं, और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए अब ये हमने हाफ डबल क्रोशिया का एक रो कर लिया, उसके बाद अब हमने अगला धागा अपना ले लिया, एक चेन करके इसे अच्छी तरह से अटैच कर लिया। अब ये दो धागों को हमें रोकना नहीं है, हम इन्हें साथ ही लेंगे, बुनते चले जाएंगे इसके ऊपर, बिल्कुल वैसे ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले में लिया फंदा, दूसरे में लिया और तीनों का एक कर दिया। ये देखिए, फिर पहले में लिया, दूसरे में लिया, दोनों का एक फंदा कर दिया, तीनों का एक फंदा कर दिया, पहले में लिया, दूसरे में लिया फंदे में, और तीनों का एक कर दिया। इस तरह से हम इसको बुनते चले जाएंगे, ये हमारी रो पूरी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब आप कह रहे होंगे डिज़ाइन तो बना ही नहीं, डिज़ाइन बन रहा है, अभी दिखाते हैं आपको ये कैसे डिज़ाइन बनकर निकलेगा। देखिए ये बिल्कुल गफ बनता जा रहा है, और इसकी खूबी यही है कि ये गफ बनेगा, तो स्वेटर जो बनेगा वो बहुत ही गर्म और बहुत ही कोजी होगा, मतलब आरामदायक होगा, ठंड से बचाने वाला होगा। तो इसके स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, खास करके जो अंदर बच्चे पहनते हैं ना स्वेटर, इसके बहुत ही अच्छे रहते हैं, और साथ में मफलर के लिए तो ये आइडियल डिज़ाइन है। देखिए ये पहले वाले में और अगले में, दोनों में हमने फंदे ले लिए और तीनों फंदों को एक बुन लिया। साथ के साथ हम यहाँ पे एक अपना लाल धागा भी, और जो हमने अटैच करा था ये वाइट धागा, दोनों लेके हम चल रहे हैं, दोनों अटैच होते जा रहे हैं। तो इसमें ना तो जोड़ आएंगे आपके, और ना ही ये धागा बार बार आपको काटने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये धागा जो बीच में आ रहा है, ये इससे भी इसमें
गफनेस आती है, मतलब ठीक होता है उससे भी। देखिए ये इस तरह से, और ये बना है हमारा पीछे की तरफ डिज़ाइन। देखिए अभी दिखाती हूँ, ये रहा हमारा डिज़ाइन जो आपने देखा था। देखिए इस तरह से ये पीछे की तरफ डिज़ाइन बनता जा रहा है। आप इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं, रिवर्सिबल हो जाएगा ये। अगर आप धागे का अच्छे से ध्यान रखेंगे अपने उसे दबाना, तो कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी, और साथ ही साथ ये गफ बनेगा, और तीसरी बात है सफाई उतनी ज़्यादा आएगी इसमें। देखिए अब ये कंप्लीट हो गया हमारा, और हमारा रेड वाला धागा भी हमारे साथ साथ आ गया है। अब हम वाइट को तो आगे लेंगे, यानी कि इसे तो हम साथ के साथ बुनेंगे। पहले हम एक चेन करके इसे आगे कर लेते हैं। अब देखिए ये हम साथ के साथ वाइट को भी बुनते चले जाएंगे। ये हमने आगे कर लिया, और अब हम रेड से बुनेंगे। ये इस तरह से इसे लेते चले जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा देखिए डिज़ाइन बन गया। अब हम इसे रेड से बुनते चले जाएंगे। हम पहले वाले में लिया डिज़ाइन हमारा वही है, हमें बस थोड़ा सा धागे को आगे पीछे किस तरह से लेना है उसका ध्यान रखना है। इसे यहीं पे टाइट कर लेंगे जिससे कि लूज ना हो हमारा, और फिर बुनना शुरू करेंगे। देखिए हमने वाइट धागा यहीं पे दबा लिया है, और हम इसे साथ के साथ दूसरी साइड ले जाएंगे। इससे ना तो कट्स आएंगे ऊन में, और ना ही उसके सिरे छूटे हुए रहेंगे जिन्हें आपको बाद में सफाई लाने के लिए दबाना पड़ेगा, तो उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ के साथ हमारे सारे फंदे दबते चले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारे ये रेड का डिज़ाइन बनता चला जाएगा। आपको पता ही है जिस साइड हम बुन रहे हैं उस साइड नहीं डिज़ाइन आता, दूसरे साइड डिज़ाइन पड़ता है। तो एक तरफ रेड का डिज़ाइन पड़ रहा है, और एक तरफ वाइट का डिज़ाइन पड़ रहा है, वाइट से डिज़ाइन पड़ रहा है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये। अगर आप स्वेटर मफलर नहीं बनाते चाहते तो इसके टी कोस्टर्स और टेबल रनर्स वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। कंट्रास्ट कलर में उनमें भी बहुत ज़्यादा शो आती है। देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ कंप्लीट। ये देखिए है ना कितना खूबसूरत। यहाँ पे देखिए रेड के डिज़ाइन पड़ रहे हैं, और इस साइड वाइट से डिज़ाइन पड़ रहा है, और ये देखिए कितना गफ है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक सार भी आ रहा है, और थिक भी है वो। है ना, तो आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैमिली मेंबर्स के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करें। आपकी सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट्स मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।